चिंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहां, बिना राम के इस भारत में भारत वर्ष कहां। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है, तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हुए हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है, और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर, मृदंग और सभी देवता मजीरे, झाज और घंटे, घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी, और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए, वीरगति प्राप्त होने से पहले सदगति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए, और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सदगति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर, जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है, कामेश्वर महादेव का जो पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट ने ही करवाया है। पहले से ये मंदिर यहां पर मौजूद था, उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो कुबेर टीला है जहां पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है। करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ राम लला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। भव्य मंदिर बनाया गया है, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जटायु जी, पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से, कभी रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। निकल जी, निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है, ऐतिहासिक रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में, अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम में मौजूद है। इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है, और राजकुमार की छवि भी है। जी, निश्चित तौर पर बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है। जी, निश्चित तौर पर, और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों की अभूतपूर्व त्याग बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है, प्रधानमंत्री के शब्दों में। और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से, इस प्रांगण से, और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की। ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, और ये जो समय है यही उत्तम समय है, यही सही समय है, और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे। और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, इस भव्य दिव्य अयोध्या के
में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014 लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है और ये सकारात्मक है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें आगे की ओर ले जाता है। कि इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये कालचक्र है और यहाँ से भारत जो है एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही, उन्होंने कहा विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने थे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं, वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला।